अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वैसे ये सुबह का 6 बजे का नज़ारा है। तो मेरी यूट्यूब चैनल सदियाली पे आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली रेसिपी, जो हम बनाएंगे जूट के पत्तों से। यार इसको तो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में, तो मैंने गूगल से सर्च करके निकाला है। वैसे इसको असामिस में मोड़ापाट बोलते हैं और हम घर पर इसको नालीपाट बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको ना आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है ये बनाने के लिए, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इसके लिए ना हमको हरी मिर्च की भी ज़रूरत है, तो मैंने बगीचे से दो चार पाँच छः तोड़ ली है। अब हमें धनिया की भी ज़रूरत है, जो हमने तोड़ ली है। यार ये वाला जो धनिया है ना, इसको असामिस में मान धनिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट पे बता देना। तो अब चलते हैं कटिंग की ओर। सबसे पहले मैंने यह एक बड़ा वाला प्याज जो है वो कट कर ली है, और हरी मिर्च और धनिया को कट करके ना इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा जो पेस्ट है ना बनके रेडी है, और पेस्ट को अच्छी तरह से बना ली है। तो अब ना इस पे हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे, लगभग 2 कप, और 1/2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। और यहाँ मिर्ची और हल्दी देना मैं दिखाना भूल गई थी यार। तो इस पे धनिया पाउडर ऐड की है, और जो पेस्ट बना के रखा था ना उसको ऐड कर ली है। ये जीरा पाउडर है, थोड़ा नमक है, और इसको धो के ना, वैसे भी हमें पानी की ज़रूरत है, तो इसको धो के इस पे डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बेकिंग पाउडर है, ये मैंने पहले देना भूल गई थी। तो हमें और थोड़ा पतला करने की ज़रूरत है, तो हमने और थोड़ा पानी ऐड कर ली है, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पत्ता है ना, इसको इस तरह से डुबा के हम तेल पे डाल देंगे। तेल को ना उतना ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम, मतलब मीडियम पे रखेंगे। तो अब हमारा ये फ्राई हो रहा है, हो गया है। तो ये हमारा बनके तैयार है जूट के पत्तों के पकोड़े। और इसको दिखने में अच्छा लगने के लिए मैं ऊपर से धनिया पत्ता और प्याज के इस तरह से डाल दी है। तो देखिए ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों आप लोग इसको घर पे एक बार बना के खाइएगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।